नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट हिमाचल प्रदेश जीके के क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, तो चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर वन है, शिंकुला पास इज सिचुएटेड इन, शिंकुला दर्रा कहाँ स्थित है? तो देखिए, शिंकुला दर्रा जो है स्थित है लाहौल वैली में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है, लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति में है शिंकुला दर्रा। अच्छा, बात हुई है दर्रों की, तो जितने भी इंपॉर्टेंट दर्रे अभी तक हम कर चुके हैं उन सभी को एक बार रिवाइज करते हैं। दराती दर्रा जो है जोड़ता है चंबा को पांगी से, वारू दर्रा जोड़ता है कांगड़ा को चंबा से, साच दर्रा जोड़ता है चंबा को पांगी से, पिन पार्वती दर्रा जोड़ता है कुल्लू को स्पीति से, सारा उंगा दर्रा लाहौल स्पीति को कुल्लू से जोड़ता है, तेलंग दर्रा कांगड़ा को चंबा से जोड़ता है, कामिलागा दर्रा जो है वो किन्नौर को गढ़वाल से जोड़ता है, जालसू दर्रा कांगड़ा को चंबा से जोड़ता है, तेंतुला पास जो है वो कुल्लू को स्पीति से जोड़ता है, तेम्पोला पास लाहौल को स्पीति से जोड़ता है, भीम घसुतरी दर्रा किन्नौर को चंबा से जोड़ता है, छोबू दर्रा भरमौर को लाहौल स्पीति से जोड़ता है, भूबू दर्रा जोगिंदर नगर को कुल्लू से जोड़ता है, बजानन दर्रा जो है वो कुल्लू को मंडी से जोड़ता है, और तामसर दर्रा कांगड़ा को बारा बंगाल से जोड़ता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट दर्रे हैं। इन सभी दर्रों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में इंपॉर्टेंट पासिस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। अब कुछ टाइम पहले जो एलाइड के एग्जाम में इंपॉर्टेंट दर्रे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, वो इस तरह से पूछा गया था, विच माउंटेन पास ज्वाइन कुल्लू एंड मंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। कौन सा पहाड़ी दर्रा हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और मंडी जिलों को जोड़ता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो था ऑप्शन ए, दुलची दर्रा। दुलची दर्रा जो है वो कुल्लू को मंडी से जोड़ता है। क्वेश्चन कई बार मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, तो इस तरह से जो है एलाइड एचएस और एनटी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर टू, घंटाल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन लाहौल वैली। इन लाहौल घाटी में घंटाल फेस्टिवल कब मनाया जाता है? लाहौल घाटी में घंटाल फेस्टिवल जो है वो मनाया जाता है जून के महीने में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अच्छा, अब बात हुई है फेयर और फेस्टिवल की, तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फेयर और फेस्टिवल से रिलेटेड अभी तक हम कर चुके हैं उन सभी क्वेश्चन को एक बार रिवाइज करते हैं। शिवरात्रि मेला जो है मनाया जाता है फाल्गुन के महीने में, सैर मेला मनाया जाता है असौज महीने की पहली तारीख को, मणिमहेश यात्रा सितंबर के महीने में शुरू होती है और मणिमहेश यात्रा राधा अष्टमी के दिन समाप्त हो जाती है, फुल्लैच फेस्टिवल बादों और असौज के महीने में मनाया जाता है, लद्राचक मेला जो है किब्बर में मनाया जाता है और जुलाई और अगस्त के महीने में मनाया जाता है, चैरवाल फेस्टिवल बादों के महीने में मनाया जाता है, छतरारी यात्रा अक्टूबर के महीने में शुरू होती है, मिंजर मेला सेकेंड संडे ऑफ श्रावण मंथ को शुरू होता है और थर्ड संडे ऑफ श्रावण मंथ को ये समाप्त हो जाता है, सुई मेला 15 ऑफ चैत को शुरू होता है और फर्स्ट ऑफ बैशाख को ये समाप्त हो जाता है, रेणुका मेला डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में मनाया जाता है और दिवाली के 10 दिन बाद ये मनाया जाता है, बलराज फेस्टिवल जो है वो सोलन और बिलासपुर में दिवाली के 2 दिन बाद मनाया जाता है, पत्थर का खेल जो है वो हल्लोग में मनाया जाता है और दिवाली के 2 दिन बाद ये कार्तिक मंथ को मनाया जाता है, विशु बिशुआ बैशाखी फेस्टिवल जो है वो ज्येष्ठ के महीने में मनाए जाते हैं, नौली फेस्टिवल जो है मंडी में मनाया जाता है और कायिका मेला जो है वो कुल्लू में मनाया जाता है, शोभी यात्रा जो है वो श्री नैना देवी जी से संबंधित है, और एक फेस्टिवल हमने आज किया वो है घंटाल फेस्टिवल। घंटाल फेस्टिवल लाहौल वैली में जून के महीने में मनाया जाता है। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद रखें फेयर और फेस्टिवल से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, जूरी सॉन्ग इज वेरी पॉपुलर इन विच एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश। जूरी गाना जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रिय है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। सिरमौर और महासू इन दोनों जिलों में जो है वो जूरी गाना जो है लोकप्रिय है। अच्छा, बात हुई है सॉन्ग्स की, तो कुछ इंपॉर्टेंट सॉन्ग्स के नाम आपको पता होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट सॉन्ग्स हैं, मोहना और गंभरी जो है वो डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के प्रसिद्ध सॉन्ग है, झूरी नाटी हर जो है वो शिमला और सिरमौर के फेमस सॉन्ग्स हैं, फुलमू रांझा कुंजू चंचलो राजा गद्दन लच्छी नुआला ये जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा के फेमस सॉन्ग्स हैं। कई बार सॉन्ग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन आप याद रखिए। और लास्ट टाइम जो एलाइड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था लोकप्रिय गीतों से रिलेटेड, वो इस तरह से पूछा गया था, गंगी और मोहना लोकगीत किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? तो गंगी और मोहना जो है वो जुड़े हुए हैं बिलासपुर से। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है एलाइड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चंस को देखकर आप इस तरह से तैयारी कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन इजी होते हैं, कुछ टफ होते हैं, कुछ क्वेश्चन थोड़े से घुमाकर पूछे जाते हैं, तो हर एक क्वेश्चन के लिए आप खुद को किस तरह से प्रिपेयर करेंगे वो आप डिसाइड कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर फोर है, हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन विच ईयर? हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? जो हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की स्थापना जो थी वो हुई थी 1971 में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, 1971। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव है, नरेंद्रा मंडल इज एस्टेब्लाइज्ड इन, नरेंद्र मंडल की स्थापना जो थी वो कब हुई थी? अब क्वेश्चन चार ऑप्शन दी गई हैं, ऑप्शन बी 1921 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये क्वेश्चन कई बार जो है अलाइड एनटी के एग्जाम में पूछा गया है, तो रिपीटली ये क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है अलाइड और एनटी के एग्जाम में, तो इस क्वेश्चन को आप याद रखिए। पिछले कल भी कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे, एक क्वेश्चन तो हमने डिस्कस किया था हिमालयन रियासती प्रजामंडल की स्थापना जो थी वो कब हुई थी, तो हिमालयन रियासती प्रजामंडल की स्थापना जो थी वो 1938 में हुई थी, और इस प्रथम सेक्रेटरी जो थे वो कौन थे, तो इसके सेक्रेटरी जो थे उनका नाम था पदम देव, पंडित पदम देव जो थे हिमालयन रियासती प्रजामंडल के सेक्रेटरी थे। और दूसरा क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल HHSRC, हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल की स्थापना कब हुई थी, हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल की स्थापना जो थी वो हुई थी 1946 में। तो ये तीन क्वेश्चन आप याद रखिए, क्योंकि तीनों क्वेश्चन रिपीटली एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, हु ट्रांसफर द कैपिटल ऑफ कुल्लू स्टेट फ्रॉम जगतसुक टू नगर? कुल्लू की राजधानी जगतसुक से नगर को किसने स्थानांतरित की थी? क्वेश्चन चार ऑप्शन दी गई हैं, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी विशुद्ध पाल जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। विशुद्ध पाल ने जो है वो कुल्लू की राजधानी जगतसुक से जो है और नगर को स्थानांतरित की थी। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू की बात आज फिर से हुई है, तो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चन को एक बार रिवाइज करते हैं। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू का गठन जिले के रूप में हुआ था 1 नवंबर 1966 को। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू का एरिया है 5503 स्क्वायर किलोमीटर। गायत्री टेम्पल डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। लालचंद प्रार्थी गैलरी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। कुल्लू तो देश की कहानी किताब जो थी वो लालचंद प्रार्थी के द्वारा लिखी गई थी। जलोरी दर्रा, हामटा दर्रा, दुलाची दर्रा, मंडी को कुल्लू से जुड़ता है। सिद्धिधार, श्रावण वैली, बैशैलियों पास, त्रिगी मंदिर, बछेश्वर महादेव मंदिर, कायस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। दियो टिब्बा, अंजनी महादेव डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। विशुद्ध पाल ने जो था अपनी राजधानी जगतसुक से नगर को शिफ्ट की थी। कैलाश पाल कुल्लू के ऐसे राजा थे जिन्होंने अंतिम समय जो था उस पाल टाइटल अपने नाम के साथ लगाया था। कुल्लू के राजा प्रीतम सिंह जो थे वो कांगड़ा के राजा संसार चंद के समकालीन थे। तीपतिंज ने 1530 ईस्वी में डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के ऊपर अटैक किया था। कुल्लू के वंशज माना जाता है कि प्रयाग से जो था वो आए थे, और कुल्लू के राजा उस समय थे रुद्रपाल, जब स्पीति के राजा राजेंद्र सेन ने कुल्लू के ऊपर आक्रमण किया था। और कुल्लू के राजा प्रसिद्ध पाल ने स्पीति के राजा चेत सेन के चंगुल से कुल्लू को आजाद किया था। तो इतने क्वेश्चन आप याद रखिए डिस्ट्रिक्ट कुल्लू से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन है, इन द 10th century AD द कैपिटल ऑफ बुशहर स्टेट वॉज शिफ्टेड फ्रॉम कामरू टू। 10वीं शताब्दी में जो था वो बुशहर की राजधानी कामरू से कहाँ को स्थानांतरित की गई थी? 10th century में जो था वो बुशहर की राजधानी कामरू से सराहान को स्थानांतरित की गई थी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब ये राजधानी किस राजा के द्वारा स्थानांतरित की गई थी ये भी आपको पता होना चाहिए। तो बुशहर के राजा चतर सिंह के द्वारा जो था वो ये राजधानी कामरू से सराहान को स्थानांतरित की गई थी। अब बात हुई है बुशहर की, बुशहर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। बुशहर रियासत की स्थापना जो थी वो प्रद्युमन के द्वारा की गई थी। बुशहर के राजा चतर सिंह ने अपनी राजधानी कामरू से सराहान स्थानांतरित की थी। बुशहर के राजा केहरी सिंह को अजानू बाहू के नाम से भी जाना जाता था। बुशहर के राजा केहरी सिंह को औरंगजेब के द्वारा छत्रपति का खिताब दिया गया था, और केहरी सिंह के द्वारा ही लवी का मेला भी शुरू करवाया गया था। बुशहर के राजा राम सिंह के द्वारा जो था स्पीति के ढांकर दुर्ग को जो था अपने अधीन कर लिया गया था, और बुशहर के राजा राम सिंह ने अपनी राजधानी सराहान से रामपुर को स्थानांतरित की थी। जिस समय 1857 का रिवोल्ट हुआ था उस समय बुशहर के राजा थे राजा शमशेर सिंह, और राजा शमशेर सिंह ने अंग्रेजों का साथ देने से इनकार कर दिया गया था। बुशहर के अंतिम राजा जो थे वो थे राजा पदम सिंह, ये बुशहर के अंतिम राजा थे। तो बुशहर से रिलेटेड इतने बेसिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट। क्वेश्चन नंबर एट है, विच स्टेट इज लोकेटेड साउथ ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल के साउथ में जो है वो कौन सा राज्य जो है वो बसता है? तो हिमाचल के साउथ में जो है हरियाणा जो है वो बसता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब देखिए मैप में,
मैप में देखिए ये है हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश के ईस्ट में कौन है, वेस्ट में कौन है, साउथ में कौन है, नॉर्थ में कौन है, ये सभी आपको पता होना चाहिए। देखिए ईस्ट वेस्ट साउथ करके सबसे पहले हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। तो ये आप मैप में देख रहे हैं हिमाचल का ईस्ट यहाँ को है, वेस्ट यहाँ को है, साउथ यहाँ को है, नॉर्थ यहाँ पर है। तो सबसे पहले तो देखिए साउथ में जो है ये हरियाणा यहाँ पर बसता है, ये साउथ हो गया, यहाँ पर हरियाणा है। अगर वेस्ट में पूछा जाए तो वेस्ट में यहाँ पर पंजाब जो है हिमाचल प्रदेश के बसता है, और नॉर्थ में जो है वो पड़ता है जम्मू कश्मीर, और ईस्ट में जाकर जो है वो पड़ता है यहाँ पर जो है वो चाइना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह हिमाचल के ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ में क्या है। अगर इस मैप को आप अपने माइंड में सेट कर लेंगे तो यहाँ से आपको ये सभी चीज़ें एकदम से याद हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो है टालरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन, टालरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर स्थित है। तो टालरा वन्य जीव अभ्यारण जो है वो स्थित है शिमला में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अच्छा, टालरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है। डिस्ट्रिक्ट शिमला में और कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये भी आपको पता होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है टालरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दरानघाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये दो इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है। अब बात डिस्ट्रिक्ट शिमला की हुई है तो डिस्ट्रिक्ट शिमला से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सभी आपको पता होने चाहिए। डिस्ट्रिक्ट शिमला का गठन जिले के रूप में होता है 1972 को। डिस्ट्रिक्ट शिमला का एरिया है 5131 स्क्वायर किलोमीटर। डिस्ट्रिक्ट शिमला जो था हिमाचल प्रदेश की राजधानी बना था 1966 में। संकट मोचन मंदिर डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है और ये बाबा नीम करोरी जी महाराज के द्वारा 1950 में बनवाया गया था। छाबा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है। डुमरेड़ा हर्बल गार्डन डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है। नंद सरोवर लेक डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है। चंद्र नाहन लेक डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है। शिमला जो है वो एक बर्मा सरकार का हेडक्वार्टर रह चुका है 1942 से 1943 तक। गांधी मर्डर केस की सुनवाई पीट्रॉक में 1948 में हुई थी। शिमला अलायंस बैंक की स्थापना 1874 में हुई थी। टालरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है। गुप्ती डांस परफॉर्म किया जाता है कुंड के द्वारा। महात्मा गांधी ने सबसे पहली बार 11 मई 1921 को शिमला विजिट किया था। सेशल होटल जो कि डिस्ट्रिक्ट शिमला के चौड़ा मैदान में स्थित है उसे पहले फैलेटिस होटल के नाम से भी जाना जाता था। शिमला म्यूनिसिपलिटी की स्थापना 1852 में हुई थी और शिमला म्यूनिसिपल कमेटी उसे डिसॉल्व कर दिया गया था 1969 में। जुडिशियल अकेडमी जो है वो डिस्ट्रिक्ट शिमला के गंडाल में स्थित है। आइस स्केटिंग रिंक जो है वो डिस्ट्रिक्ट शिमला में 1920 में ब्लेसिंगटन के द्वारा शुरू किया गया था। तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद रखिए डिस्ट्रिक्ट शिमला से रिलेटेड। अब देखिए लास्ट टाइम जो एलाइड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था वो इस तरह से पूछा गया था, दरान घाटी शरण स्थल हिमाचल प्रदेश के किस कस्बे में स्थित है। तो दरान घाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है मैंने अभी आपको बताया था कि शिमला में स्थित है, तो ऑप्शन डी रामपुर बुसहर जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो इस तरह से घुमाकर भी क्वेश्चन पूछा गया है, शिमला जो है वो डायरेक्ट नहीं दिया गया है परंतु रामपुर बुसहर जो है वो दिया गया है। तो रामपुर बुसहर जो है वो शिमला में ही पड़ता है। तो इस तरह से क्वेश्चंस को आप लिंक कर सकते हैं जिस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ डॉक्टर वाई एस परमार अवार्ड, सबसे पहली बार डॉक्टर वाई एस परमार अवार्ड किसको दिया गया था। तो सबसे पहली बार डॉक्टर वाई एस परमार अवार्ड जो था वो दिया गया था मियाँ गोवर्धन सिंह को। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अच्छा, और ये अवार्ड जो था वो कब दिया गया था, ये 1986 में सबसे पहली बार जो था वो दिया गया था। इसके अलावा पिछली वीडियो में भी हम कुछ अवार्ड जो है डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहली बार पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम अवार्ड किसे दिया गया था, सबसे पहली बार पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम अवार्ड दिया गया था जयदेव किरण को, और इन्हें कब ये अवार्ड दिया गया था, 1989 में इन्हें ये अवार्ड दिया गया था। और सबसे पहली बार जो था वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी अवार्ड किसे दिया गया था, तो सबसे पहली बार चंद्रधर शर्मा गुलेरी अवार्ड जो था वो श्री केशव को दिया गया था और 1986 में ही इन्हें ये अवार्ड दिया गया था। और सबसे पहली बार परशुराम अवार्ड किसे दिया गया था, तो सबसे पहली बार परशुराम अवार्ड जो था वो दिया गया था सुमन रावत को। इन्हें कब ये अवार्ड दिया गया था, 1987 में जो था इन्हें ये अवार्ड दिया गया था। इनके बारे में भी मैंने आपको कल ही बताया था। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अवार्ड से रिलेटेड, ये सभी क्वेश्चंस आप याद रखिए क्योंकि यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पब्लिक सर्विस कमीशन और एलाइड एचएस एनटी के एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो।